आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का कौशल पुनर्बलन कौशल। इसमें पहले हमको देखना है दिनांक, विषय, कौशल, कक्षा, अवधि। इसको फिर हमको लिखने होते हैं प्रकरण, और इसके कॉलम में 3 पॉइंट इंक्लूड होते हैं, शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार, घटक। शिक्षक व्यवहार में शिक्षक क्वेश्चन करते हैं, छात्र उसका आंसर देते हैं, और इस पर शिक्षक छात्रों को विविध प्रकार के फीडबैक या प्रतिपुष्टि या फिर जिसे पुनर्बलन भी कहते हैं प्रदान करते हैं। शिक्षक व्यवहार में शिक्षक छात्रों से पहला प्रश्न करेंगे, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, जिस पर छात्र आंसर देंगे कोशिका को। इस पर शिक्षक धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन प्रदान करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। इस पर छात्र आंसर करेंगे कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। शिक्षक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कोशिका के 2 प्रकारों के नाम बताइए। इस पर छात्र कोशिका के 2 प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का नाम बताएंगे। नेक्स्ट है शिक्षक क्वेश्चन करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की रचना कैसी होती है। इस पर छात्र आंसर करेंगे सरल प्रकार के। इस पर शिक्षक शाब्दिक पुनर्बलन प्रदान करेंगे। फिर शिक्षक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसी होती है। छात्र आंसर करेंगे जटिल प्रकार के। फिर शिक्षक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विकास के बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में परिवर्तित हो जाती है। छात्र आंसर करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। एंड में छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर और निरीक्षक के हस्ताक्षर रहते हैं।